फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग जी? अच्छे हैं ना? मस्त है ना? ऐस कर रहे हैं एकदम, ऐस है ना? तो ऐस नहीं करना है, तैयारी करना है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। एसएससी जरा देखिए, तीनों अपना चारों जो फॉर्मेट है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, जो भी है स्टेनो, सबका तो डेट फिक्स कर ही दिया है। फॉर्म भरवा लिया है तो डेट भी फिक्स करेगा, है ना? तो आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना। उधर देखिएगा, आईबीपीएस ने भी अपना दे दिया है नोटिफिकेशन कि हम अगस्त महीने में एग्जामिनेशन ले लेंगे बाबू। तो आईबीपीएस की भी तैयारी जो पीओ और क्लर्क का करना चाहते हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है भाई। क्वेश्चन तो यही आएगा ना, ग्रामर के तो रूल फिक्स ही होंगे ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है नहीं ना। जब इसी से आना है तो हम लोग क्वेश्चन एरर को देख लेते हैं। हमने अभी एसएससी का प्रीवियस ईयर को लिया है, इसके अंदर सबसे पहले कॉमन एरर को लेना है, ठीक है? इसके बाद फिलर्स होगा और जो भी हो गए हम ऐड करते जाएंगे। हम फिलर्स के बारे में सोच रहे थे कि इधर ही हम कर दें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो जल्दी खत्म होने वाला तो है नहीं। तो ये दोनों पोर्शन को हम लोग करके चलेंगे। अभी देखिए, कॉमन एरर के बाद जस्ट दो चार दिन बाद आपका देखिएगा वीडियो फिलर्स का भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। देखें क्वेश्चन को आज के दौर में, देखिएगा आज के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट, क्वेश्चन को पहले हमने थोड़ा सर कर लिया था तो वीडियो थोड़ा गड़बड़ा गया, तो उसको फिर से देख लीजिएगा। कहता था, फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर और टू ओवर ग्रोइंग डिमांड। तो ये देखिएगा, ओवर ग्रोइंग होना चाहिए था, इवर लिखा था, वो कैसे लिखा हम नहीं जानते हैं। ओड की जगह पर आपको क्या करना है बाबू? ओइंग टू लिखना है, ना कि ओड लिखना। ये टर्म नहीं होता है, ये होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके सामने द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज द सेंटेंस, मेरे पैसी में जा रहा ना डॉग्ड भाई, ठीक है? और सेंटेंस मेरा पास्ट भी है, पास्ट है तो क्या हो जाएगा बाबू? ये देखिएगा, इसको देख के पास्ट नहीं समझें तो ये क्या हो जाएगा बाबू? वाज। बस जनरल क्वेश्चन था, पैसिव था लेकिन पास्ट को लेकर था, इस वजह से वहाँ पर हमको वाज करना था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी सवाल है भाई, कितना इजी सवाल है। दो दो को एडवर्ब लिख दिया है, हैं? दो दो को एडवर्ब एक साथ होगा नहीं ना, इसके ये तो सुपर फ्लस माना जाएगा ना बाबू, हैं? ये सुपर फ्लस माना जाएगा, यानी गलत है ये। तो इसमें क्या कर दें आप? वेरी के बाद डायरेक्ट हार्ड लिखें, आपका ये सही हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डू यू नो डैट इट वॉज आई हु हैज, तो हु हैज ये जब डब्ल्यू एच बढ़ाता है ना तो जस्ट पीछे वाले को डिफाइन करता है, तो उसके हिसाब से आई के बाद क्या होना चाहिए बाबू? हैव होना चाहिए, है ना? आई के साथ आप हैज का यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सब क्वेश्चन बताने की जरूरत है आपको? आप तो ऐसे ही तेज हो गए हैं क्या वो? ऐसे ही तेज हो गए हैं? जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है उन सब बच्चों के लिए तो दम आसान हो गया ना। क्या बाबू? डायरेक्ट हमको देखना है कि इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्लियर? क्या होता है बाबू? इक्विपमेंट होता है, क्या होता है? इक्विपमेंट होता है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुम उनसे कहते तो मैं तुम्हारी सहायता समस्या को सॉल्व करने में जरूर करता। ये सेंटेंस देखिएगा, सिंटेक्स कंट्रास्टेडली पूरी तरह से ये सही है, तो पूरी तरह से जब सही है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू? नो एरर। फिर से देखिएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यदि तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हारी सहायता समस्या को पूरा करने में जरूर करता, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखे खाली फंसाने के लिए लिख दिया है कि नाइट्स, लेकिन ये पूरा मिलाइएगा तो एक बुक का नाम है ना, है द अरेबियन नाइट्स, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया बाबू? सिंगुलर, सिंगुलर है तो आर का यूज नहीं होगा, क्या होना चाहिए था बाबू? एज का यूज होना चाहिए था, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है? देखिएगा, याद रखिएगा, इसको हम बताते हैं, हमको पूरा सा मतलब नहीं रखना है बाबू, कुछ वर्डिक्ट्स हैं जिसको देख लेने से ही पता चल जाता है कि गलती क्या है, बात समझे? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ, क्या होना चाहिए था? डिस्पाइट, क्योंकि डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन यदि इसकी जगह पर क्या रहता बाबू? इंस्पाइट, तो इंस्पाइट के साथ ऑफ ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो यदि हाँ ऑफ हटा देंगे तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, क्या बाबू मानते हो बात? चलिए एक बात बीच में कहना भी जरूरी है, क्या जरूरी है बाबू? तो जरूरी ये है कि
इस कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं सबको झेलनी पड़ी हैं, ठीक है ना। इन समस्याओं को झेलना पड़ा है तो क्या उसी में फंसे रहेंगे हम लोग? नहीं ना, उससे आगे आना है ना बाबू। आगे आना है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना क्या? तो उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर। अब देखिए द मोर लगाया है, क्या होगा डायरेक्ट इस समय क्वेश्चन में कुछ देखने वाली जरूरत है? बताइए क्या होना चाहिए? द मोस्ट लुकिंग वन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। अब इससे क्वेश्चन ईजी नहीं हो सकता है। कराए वेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। है जी सेंटेंस जब ये पैसिव को फॉलो किया है तो इज के लिए जगह बनता है, नहीं ना? क्या होना चाहिए बाबू? वाह क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। कहना है कि फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को कृषि के अंतर्गत लाना होगा, क्लियर है ना। लेकिन कौन सा फूड है उसने तो नहीं कहा था, जब फूड क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा है, यानी स्पेशल ये नहीं ना है बाबू, खास नहीं ना है। जब खास नहीं है तो द का यूज नहीं होगा, क्लियर है, आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन द गर्ल वॉच्ड इंटेंसली एज द मॉडल अप्लाइड फॉर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। प्रैक्टिस्ड होगा जी, जब किसी भी चीज में आपका हाथ बैठ जाता है आप उसके दम जानकार बन जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है उसकी दक्षता प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। क्या प्राप्त हो जाती है बाबू? दक्षता। दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्किल। तो ये होना चाहिए था स्किल्ड, लिखा हुआ है प्रैक्टिस्ड, तो क्या हो जाएगा बाबू? स्किल्ड यदि हम कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अरे भाई इफ ही लगाए हो तो ये मेरा सेंटेंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में गया कि नहीं गया? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में चला गया। और जब ऐसा कंडीशन रहता है तो ये सिंगुलर रहे या प्लुरल हमको क्या लगाना पड़ता है बाबू? वेयर। और ये क्या लगाया है? वाज, यानी इसको वेयर कर दीजिएगा, ये पोर्शन में जो गड़बड़ी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन हम पिछले भी सेट में करवा चुके हैं, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि अलॉन्ग विथ, ठीक है, विथ एज वेल, ठीक है, इन सब टर्म से कोई चीज़ जुड़ा रहता है तो उसके पीछे वाले नॉन को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ आगे वाले नॉन को ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है सिंगुलर हुए ना, इधर से हमको मतलब नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू? हैज। हमने क्या लिखा है? गलत है ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी वाज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। हमको हिंदी नहीं करना है, हम क्या बार बार ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना बाबू कि एज इफ के बाद जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है बाबू? पास्ट का होता है। तो पास्ट का जब होता है तो यहाँ पर हैज की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? हैड करना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं, यदि छोटा लग रहा हो तो ठीक है ना। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। देखिए ना यहाँ लगा दिया है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है तो संभव है, आप उल्टा कर दीजिए सही हो जाएगा। हैव यू बीन, है ना। चलिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ी था, इसको कोई क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द सेम प्रोसीड्यूर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट नोइरर। द सेम प्रोसीड्यूर ऑल्सो शुड, तो देखिएगा शुड ऑल्सो भी होना चाहिए ना, पैसिव सेंटेंस है ये, तो क्या हो जाना चाहिए बाबू? शुड ऑल्सो बी यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। ये देखिए पैसिव सेंटेंस है, शुड भी लेगा और ये ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ले बाबू देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़ा आसान सवाल है भाई। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। देखिएगा जब भी जरूरतों को पूरा करने की बात होती है ना, जो इकोनॉमिकल हूँ, तो वहाँ पर हम लोग बैलेंस नहीं कैच करते हैं बाबू, मीट करते हैं। जैसे मीट माई नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करना, ठीक है ना।
तो आप वैलेंस की जगह क्या यूज कर लें, मेट यूज कर लें, आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे बाबू, थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली। याद रखिएगा जब एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है, ठीक है ना, किसी नॉन की व्याख्या करने लगे तो उस नॉन के पहले आता है, ठीक है ना। तो यहाँ होना चाहिए था आई एम कम्प्लीटली फाइन। क्लियर? कम्प्लीटली फाइन, लेकिन हमने यहाँ देखा कि ऐसे लिखा था, यानी इस पोर्शन में हमारी गड़बड़ी है। सही कैसे होगा वो तो आपको पता चल चुका है। क्या वो आसान था ना? बहुत आसान है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन आ रहा। नहीं पता रहने की वजह से हम लोग गलतियाँ करते चले जाते हैं। पता चल गया तो ईजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या है बाबू? ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई, बताइए बाबू। ये बार बार हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना। यदि यहाँ पर तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। और यदि इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसके फुल स्टॉप होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप दिया हुआ था, तो वैसे कंडीशन में वेन के बाद पहले आई होना चाहिए था, लिख दिया था कोड, ये गलती हो गया, इसको सही कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, वो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ड्यू टू मी, नियम के हिसाब से ड्यू टू का यूज हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम था कि जब भी हम जिरंड यहाँ देखें तो उसके पहले कोई पोसेसिव यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? और पोसेसिव मी का क्या होता है बाबू? माई होता है। जैसे बोलते हैं ना माई लविंग सन, लिखते हैं ना माई लविंग सन, लिखते हैं ना है? कि माई मी लविंग सन लिखते हैं आप, क्या लिखते हो? क्या आपने कभी देखा है मी लविंग सन देखा? नहीं ना। क्या होना चाहिए? माई लविंग सन। इस हिसाब से इस पोर्शन में दो दो तरीके से हम लोग की गड़बड़ी दिख रही थी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज वेटर देन डैट ऑफ। यदि ये सिंगुलर है बाबू तो डैट ऑफ का ही यूज होता है, यदि ये प्लूरल होता तो यहाँ क्या होता बाबू? डोज ऑफ का। क्लियर है ना? तो ये तो हमारा सही है, लेकिन एनी न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, एनी न्यूज़पेपर यदि हम लिखेंगे ना बाबू तो इसमें स्टेट्समैन भी शामिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमको स्टेट्समैन को अन्य से अलग रखना, क्योंकि वो उससे बेहतर कंडीशन में है ना। तो यहाँ क्या करना होगा बाबू? एनी अदर न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। क्लियर है ना? एनी अदर न्यूज़पेपर। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप एनी अदर कर लेते तो सही हो जाता। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इन द गार्डन वेयर। अब देखिए, गार्डन वेयर लगा दिया है, क्या हो जाएगा बाबू? इन द गार्डन, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? देयर वेयर मोर ब्यूटीफुल, ये द का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कंपरेटिव डिग्री के पहले द का यूज जनरल कंडीशन में नहीं किया जाता है, लेकिन द का यूज करते हैं जब एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्तियों से हो। जैसे देखिएगा, द स्मार्टर ऑफ, ठीक है, मोहन एंड सोहन, है ना। क्लियर? जब दो व्यक्तियों से तुलना हमारी होती है एक व्यक्ति की, मान ले राम नाम का क्या है, राम इज द, है ना, राम नाम का कोई लड़का है जो मोहन और सोहन दोनों से स्मार्ट है, तो हम लोग कंपरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पर उस तरह का कंडीशन नहीं था, ठीक है। और एक दूसरे पर आश्रित होने वाले सेंटेंस में किसे ले जाओगे? चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। अब देखिए, अभी ये क्वेश्चन भी जानने वाला है, याद रखिएगा, डिस्क्राइब अपनी बात, है ना, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं थी, अबाउट को हटा दीजिए, आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, देखिए आज आपको थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर दिए, क्वेश्चन की संख्या फिर से आज 5 बढ़ गई है ना, बढ़ाना है भाई, क्वेश्चन 1200 है, डेली 30-30 भी करेंगे ना तो 40 दिन लगेगा हमको, तो इसी को करना है क्या खाली? और भी तो आगे बढ़ना ना हम लोग को। क्या होगा? दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। कभी सुने क्या क्या होता है? ये तो हम सबको जानते थे आप लोग, फ्री ऑफ चार्ज होता है, मैंने कोई भी पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, व्हेन दरुण हर्ड द न्यूज दैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको फंसाने के लिए इतना कर रहा है। देखिए इधर, रिटर्न जब कर ही रहा है तो फिर बैक क्या लगाने की जरूरत है, ये सुपर प्लस है ना, दोनों का मतलब तो लौटना होता है ना, तो आप एक को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या बड़ा देख के डरना नहीं है, बड़ा देख के ही लड़ना है, क्या समझ रहे ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने है, क्या है बाबू आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज। देखिएगा कंप्राइजेस नहीं कंप्राइजेस, ठीक है ना। यदि आप ऑफ ही लगाना चाहते थे तो क्या करना चाहिए था आपको, कंसिस्ट ऑफ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था बाबू, कंसिस्ट ऑफ करना चाहिए था, क्लियर है ना। तो देखिए बाबू आज हमने 28 क्वेश्चन किया है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आपको, है ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना बाबू, आप दिक्कत महसूस ना करें। उसके लिए हमने क्या किया, आपके क्वेश्चंस को घटा दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना बाबू, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ना। देख रहे हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन बनता है, बेकार का हवा बनाए रखते हैं भाई, ऐसे है ऐसे है ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, क्लियर, बहुत ही आसान होता है। हम आप सभी लोग इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आपका आपको मिल रहा है जो सहयोग है उसके प्रति बस इतना ही कहेंगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को इससे जोड़ें, सभी बच्चों को ये एक तरह का मेरा सलाह है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपने दोस्तों को मित्रों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का आप कोशिश करें, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। चलिए